नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्रा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने आज तीसरी बार सोनिया गांधी की पेशी, कांग्रेस बोली उम्र का करेली हाथ। रायपुर के ईडी ऑफिस में यूथ कांग्रेस ने लगाया बीजेपी कार्यालय का पोस्टर, जमकर की नारेबाजी, लगाए गंभीर आरोप। गुजरात में जहरीली शराब से 41 लोगों की मौत पर गरमाई सियासत, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को सरतन से जुदा करने की मिली धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, पत्नी और सालों समेत अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित, कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो होगी कार्रवाई। यूपी में मकान बनवाने वालों के सामने संकट, जीएसटी बढ़ाए जाने से यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन नाराज, एक साल तक बंद रहेंगे ईंट भट्टे। देश में कोरोना के मामलों में फिर इजाफा, कल के मुकाबले मिले 23% ज्यादा नए केस, 57 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मिला एक और संदिग्ध मरीज, विदेश यात्रा का रिकॉर्ड, अलर्ट पर राज्य सरकारें। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, दो सगे भाई बहन समेत 5 की डूबने से मौत। यूपी के कौशाम्बी में 7 और भदोही में 2 लोगों की बिजली गिरने से मौत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख।